कोटा में कर्ज से परेशान पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले दोनों ने बेटे से बात की और फिर जहर खाकर जान दे दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आसपास के लोगों से पुलिस जानकारी ले रही है। घटना कोटा के आरेकपुरम थाना क्षेत्र की है। सुसाइड से पहले दोनों ने अपने बड़े बेटे को फोन किया था। फोन पर कहा, अलविदा, हम जा रहे हैं। इसके बाद फोन काट दिया। मृतक राजकुमार और उसकी पत्नी शालिनी रोजड़ी इलाके में रहते थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि दोनों कर्ज के दबाव से परेशान थे। मृतक दंपति के दो लड़के व एक लड़की है। लड़की की शादी हो चुकी है। दोनों बच्चे भी अलग अलग रहते हैं। शालिनी आंगनवाड़ी में काम करती थी, जबकि राजकुमार ट्रांसपोर्ट नगर में हार्डवेयर की दुकान लगाता था। मृतक के बेटे करण ने बताया, करीब 6 बजे फोन आया था। उन्होंने कहा कि अलविदा, हम जा रहे हैं और गोली खाली है। इसके बाद फोन काट दिया। मैं दौड़कर घर पहुंचा तो दोनों उल्टियां कर रहे थे। 7 बजे के करीब अस्पताल आए, तब तक पिता की मौत हो गई। फिर मां ने भी दम तोड़ दिया। किसी से रुपए लेने थे और किसी को देने भी थे। 3-4 लोग हैं। आरेकपुरम थाना CI अनिल जोशी ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि राजकुमार सिंधी और पत्नी शालिनी जहर खा लिया है। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। बेटे करण ने बताया है कि कर्जे की बात को लेकर परेशान किया जा रहा था। करीब 25 लाख रुपए का कर्ज बताया जा रहा है। बेटा पिता के साथ ही काम करता था, लेकिन दोनों अलग रहते थे। मौके पर सुसाइड नोट भी मिला है कि अलविदा हम जा रहे हैं, खाली है और हम जा रहे हैं। अलविदा के फोन काट दिया, गया तो घर में उल्टियां कर रहे थे, फटाफट भागा मैं तो कैसे कैसे। फिर यहाँ लेके आया 7 बजे करीब, हॉस्पिटल आया 8:30 बजे तो पापा एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मम्मी एक्सपायर हो गई।